देश में पूर्ण रूप से लागू बंद ने कई परेशानियों को बढ़ा दिया है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं, कामकाज ठप पड़ा है, कई लोगों की तो रोजी रोटी का कोई अता पता तक नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, बावजूद इसके परेशानी खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस बंद के कारण लोगों को जरूरी चीजों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो पूर्णबंदी ने लोगों पर कितना बढ़ाया महंगाई का बोझ, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में 21 दिन के बंद की घोषणा की, जिसको 11 दिन पूरे हो चुके हैं। आज बंद का 12वां दिन है। इस दौरान जहां दवाइयों की मांग में कमी आई है, वहीं खाने पीने की वस्तुओं और राशन के दाम बढ़कर आसमान पर पहुंच गए हैं। जी हां, देश में फैली परेशानी रोकने के लिए देश भर में लागू बंद के बाद लगभग सभी चीजों के दामों में उछाल आया है। चावल दाल जैसी राशन की चीजों में 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक का फर्क आया है। दिल्ली के कई इलाकों में पहले जहां अरहर की दाल 85 या 90 रुपए प्रति किलो थी, अब इसकी कीमत 100 से 105 रुपए प्रति किलो हो गई है। 50 रुपए किलो में बिकने वाला चावल अब 60 रुपए तक बिक रहा है। तेल, चीनी और आटे की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन सामानों को पैकेट बंद खरीदने पर पहले लिखी हुई कीमत से कम पैसा देना पड़ता था, लेकिन कई दुकानदार अब पैकेट पर लिखी हुई कीमत को पूरा ले रहे हैं। हालांकि अलग अलग दुकानों में कीमतों में अंतर है, वहीं बंद के बीच सब्जियों की मांग बढ़ने के साथ ही दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आलू, प्याज, टमाटर समेत ज्यादातर सब्जियों के दामों में बंद से पहले की तुलना में 10 से 15% तक उछाल आया है। बात अगर फलों की करें तो फलों के दामों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आजादपुर मंडी के फल व्यापारियों के मुताबिक आवक कम होने से दामों में बढ़ोतरी हुई है, यानी बंद ने जहां कामकाज ठप कर दिया है तो वहीं पहले से परेशान लोगों पर महंगाई का बोझ डालकर उनकी परेशानी में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया है। ऐसे में अब मौजूदा हालात में आसमान छूती महंगाई से कब तक राहत मिलेगी, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।